और उस समय दोस्तों मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइबर भी नहीं पूरा हुए थे। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है, 4000 घंटा का ये जो वॉच टाइम होता है वो पूरा नहीं हुआ था। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये वीडियो को डाला तो मेरा व्यूज बहुत ज़्यादा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है संग्राम विलेज चैनल में, और आप सबों को हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज दिवाली है। और दोस्तों ये दिवाली मेरे चैनल में, मेरे चैनल के ग्रोथ में इस दिवाली का बहुत ही बड़ा हाथ है। और ये इस दिवाली का, ये मेरे चैनल का ग्रोथ से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज से ठीक 1 साल पहले इसी तरह का दिवाली था, और ये दिवाली पूरा भारतवर्ष में जैसे कि आप लोग जानते हैं धूमधाम से मनाया जाता है, तो हमारे गांव में भी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे पड़ोसी गांव सिठियों में एक जत्रा लगता है इस दिवाली के अवसर पर, जिसको हम लोग सिठियों गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। तो इसी अवसर पर ये एक जत्रा लगा था, जत्रा खोड़हा जत्रा, और वहाँ हम लोग ये पूरा परिवार के साथ घूमने गए थे। और वहाँ का ये दिन में जत्रा लगता है, दिन में लगभग 11-12 बजे के बाद यहाँ पर जत्रा लगता है। ये मैं ये सिठियों का ये जो लोकेशन है जहाँ पर ये जत्रा लगता है उसको भी मैं ये दिखाने का प्रयास करूँगा। और इस जत्रा में जाने के बाद यहाँ एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें नागपुरी गाना होता है, उड़ाव गाना होता है, और झारखंड की बहुत सी भाषाओं का ये यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में वहाँ ये स्टेज प्रोग्राम होता है। तो इसी स्टेज प्रोग्राम में हमारे ये लोहरदगा शहर के फेमस कलाकार छोटे लाल जी आए थे। वैसे तो बहुत सा गाना वहाँ का मैं रिकॉर्ड किया, और वहाँ का जितना भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उसको मैं सभी को ये अपलोड किया, लेकिन उसमें से एक वीडियो था छोटे लाल जी का, छोटे लाल और उनके साथ थी ये सिंगर ललिता थी, और इन दोनों का मैं वहाँ पर ये, जैसे कि आप सब जानते हैं ये ब्लॉगिंग का चैनल है, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर मैं ब्लॉग करता हूँ। तो इसी तरह से ब्लॉग करते हुए मैं वहाँ का ये जो स्टेज प्रोग्राम हो रहा था छोटे लाल और ललिता जी का, तो उसको मैं रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद, एडिट करने के बाद उसको मैं अपलोड कर दिया। और उस समय दोस्तों मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइबर भी नहीं पूरा हुए थे। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है, 4000 घंटा का ये जो वॉच टाइम होता है वो पूरा नहीं हुआ था। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये वीडियो को डाला तो मेरा व्यूज बहुत ज़्यादा जाने लगा एकदम। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, ये 6 मिनट 12 सेकेंड का ये वीडियो है, आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और ये इसका व्यूज देख के मैं बहुत खुश हुआ। पहली बार मेरे चैनल में इस तरह से किसी चैनल का ग्रोथ हो रहा था। और वो व्यूज जब ज़्यादा आने लगा तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, और जो सब्सक्राइबर भी 1000 का ये जो पूरा करना होता है वो भी पूरा हो गया। और सब्सक्राइबर और ये वॉच टाइम पूरा होने के बाद ये एडसेंस पिन मेरा वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद मेरा ये डॉलर भी बनने लगा, और डॉलर बनने के बाद ये मेरा ये पहला पेमेंट भी हो गया, अभी दूसरा पेमेंट भी होने वाला है। तो छोटे लाल जी का वीडियो ये दिवाली के अवसर पर, वो जो स्टेज प्रोग्राम किए थे उसमें से
बहुत सपोर्ट किया और अभी तक मेरे चैनल में सबसे हाईएस्ट व्यू छोटे लाल जी का ही है, और उसके बाद ये एक उड़ाँव शादी का है, और उसके बाद थर्ड में आता है ये माही मनीषा का। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, कि मतलब इस दिवाली, ये दिवाली मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए किस तरह से शुभ हुआ, और आज फिर से दिवाली है। तो कल फिर वहाँ पर यात्रा लगेगा, वहाँ पर यात्रा लगेगा, और इसी तरह से ये प्रोग्राम भी होगा, स्टेज प्रोग्राम, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। और देखते हैं, ये 2023 में तो ये वहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चला था, तो ये 2024 का ये जो प्रोग्राम होगा वो कैसा चलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो यही था दोस्तों दिवाली के अवसर पर ये वीडियो, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबको शुभ दिवाली, और मिलते हैं ये कार्तिक के यात्रा में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।